देवों की भूमि में विदेशी मेहमान, पारंपरिक स्वागत ने मेहमानों को लुभा दिया। रामनगर में G20 सम्मेलन बैठक में शामिल होने देश विदेश से मेहमान आए हुए हैं और इन दिनों देवभूमि में विदेशी मेहमानों की खूब खातिरदारी की जा रही है। वहीं विदेशी मेहमान भी इस दौरे पर खूब इंजॉय और मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की पावन भूमि सभी मेहमानों को खूब लुभा रही है और अब विदेशों से आए मेहमानों ने प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी का आनंद भी लिया है। गुरुवार को मेहमान बिजरानी जोन में 30 जिप्सियों में सवार होकर सफारी के लिए निकले। बिजरानी में विदेशी मेहमानों को कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा कुमाऊनी व्यंजन और बुरांस का जूस परोसा गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में मेहमानों ने कई वन्य जीवों का दीदार भी किया। सफारी के दौरान मेहमानों के चेहरे की रंगत साफ दिखाई दे रही थी। मेहमानों ने जिम कॉर्बेट में बाघ, हाथी, जैकॉल, येलो थ्रोटेड मार्टन और कई प्रकार के पक्षी भी देखे। मेहमानों को कॉर्बेट की जानकारी देने वाले गाइड राजेश भट्ट ने बताया कि विदेशी मेहमान बहुत जानकार थे और उत्साहित भी नजर आ रहे थे। उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं था टाइगर पर, हालांकि उनको एक ग्लेंस में टाइगर भी दिखा, येलो थ्रोटेड मार्टिन दिखी, एलिफेंट दिखा, ठीक है ना। लेकिन क्या कहते हैं, उनका ज्यादा फोकस ये समझना था कि ये जो हमारे आसपास के वातावरण में कॉर्बेट पार्क का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, यहाँ के पर्यावरण का क्या प्रभाव है। और काफ़ी हद तक उन्होंने इसको एंजॉय किया और खासकर तो बर्ड्स को काफ़ी वो जो है संजीदगी के साथ देखे। वहीं पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे भी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए उत्साहित नजर आए। पार्क के गेट पर स्थानीय महिलाओं ने विदेशी मेहमानों का पारंपरिक परिधान में तिलक लगाकर स्वागत किया, जिससे कि विदेशी मेहमान काफी खुश नजर आए। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि बाघ के साथ ही उन्होंने हाथी, हिरण, सांभर सहित कई प्रकार की चिड़ियाओं को भी देखा। जो जितने भी डेलीगेट से हमको बात करने का मौका मिला, सबका एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक रहा है। जो कंजर्वेशन या जो वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के कार्य कॉर्बेट में हुए हैं, उन सब से वो काफी प्रभावित हुए हैं। वहीं समिट में शिरकत करने के बाद 3 डेलीगेट सुबह पंत नगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में कर्मियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। इसके बाद मेहमानों ने इंडिगो की फ्लाइट से देहरादून के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट पार्क की ओर से विदेशी मेहमान का भव्य रूप से स्वागत किया गया। जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क दुनिया में मशहूर है। हर साल यहां देश विदेशों से पर्यटक सफारी के लिए पहुंचते हैं। रामनगर से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।